खबर सतना से है, जहां के सिंहपुर थाना के अंतर्गत नारायणपुर में विंध्य स्थापना दिवस के तिथि पर समाज सेवी रजन त्रिपाठी के द्वारा विशाल शोभा यात्रा और सभा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मैहर विधायक विंध्य के लाडले नारायण त्रिपाठी रहे, तो वहीं पूर्व विधायक रहेगा उषा चौधरी, गुड्डू सिंह परसवारा, राजेश दुबे आदि कई लोग भी शामिल रहे। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय नेताओं ने अपने मतलब के चलते विंध्य प्रदेश को भुलाकर अपना भला किया। उन्होंने वहीं वर्तमान सरकार को भी बहुत कोसा और कहा कि अगर 2023 तक विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ तो हम विंध्य प्रदेश के नाम से कई पार्टी का गठन करवाएंगे, जिसमें 30 विधानसभा सीटें होंगी और वर्तमान सरकार को विंध्य प्रदेश बनाकर दिखाएंगे। वहीं समाज सेवियों ने मैहर विधायक को तलवार और पगड़ी भी भेंट की। आयोजक रजन त्रिपाठी ने करीब 50,000 की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति करवाई और भंडारे का भी आयोजन करवाया गया। किस उद्देश्य के लिए? आज ये विंध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था। विंध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मैहर के विधायक माननीय नारायण त्रिपाठी, एक ऐसे गांव जिनका नाम, जिस गांव का नाम है नारायण। देखिए, स्थापना दिवस मना रहे हैं आप, इसलिए क्या कहेंगे आप? 4 अप्रैल 1948 को विंध्य का निर्माण हुआ था, जिसकी राजधानी रीवा कहलाती है। ये हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम करके आज नारायणपुर में, और नारायणपुर भर में नहीं, इस पूरे विंध्य के एक एक गांव में आज सुंदरकांड का पाठ दीप प्रज्वलन करके भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हुए, माई शारदा को याद करते हुए, हमारे सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हे हमारे राम, जो चित्रकूट में भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और सतना जिला विंध्य के, तो हमारे राम विंध्य का पुनर्निर्माण करवाइए, जिससे राम राज की स्थापना हो सके। इसके लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ भी चल रहा है और भोपाल राजधानी में भी कम से कम 50 जगह सुंदरकांड का पाठ एवं दीप प्रज्वलन भगवान से प्रार्थना, इसी तरह विंध्य के सभी गांव में सभी ये आयोजन हो रहे हैं और राम राज की जो आपने कहा अभी कि अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और फिर विंध्य के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, विंध्य के लोग तय कर चुके हैं कि यदि 23 के पहले विंध्य प्रदेश के निर्माण की नींव नहीं रख दी जाती है, ये फैसला नहीं करते, तो विंध्य के लोग अब जागृत हो चुके हैं, विंध्य की पार्टी बनाएंगे और विंध्य में चुनाव लड़ाएंगे और अपने दम पर मध्य प्रदेश में विंध्य की सरकार बना के विंध्य का पुनर्निर्माण करेंगे। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।